ऐतिहासिक तिगरी मेले की हर एक व्यवस्था पर पुलिस की होगी नजर। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में लगने वाला ऐतिहासिक तिगरी मेले का 19 नवंबर को गंगा स्नान है, जिसको लेकर आज जिला अधिकारी बीके त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक पूनम ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था एवं समस्त कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी एसपी पूनम ने अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों व ठेकेदारों को अपने कार्य में तेजी लाने की बात कही और कहा कि अपने कार्य को आप जल्दी से जल्दी पूर्ण करें, आपके कार्य में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अमरोहा की तेज तर्रार एसपी पूनम ने सभी पुलिसकर्मियों की मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने कहा कि मेले में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए और कोई भी पुलिसकर्मी यह न सोचे कि हम सिर्फ पुलिस तक ही सीमित हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं का गंगा घाट पर पूरा ध्यान रखना है और किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मेले में किसी भी तरह की कोई लापरवाही हुई तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समर इंडिया के लिए गजरौला से भरत सिंह की रिपोर्ट। बताइए टिगरी मेला जो हमारा प्रारंभ हो रहा है और 14 तारीख से 19 तक चलेगा, ये इसी के तैयारी के लिए बैठक आज पुनः की गई है। इसमें हमारे अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक की गई है और हमारे अधिकारी बिल्कुल गंभीरता से लगे हुए हैं, ठेकेदार भी कार्य कर रहे हैं और काफ़ी काम हो चुका है और हमें उम्मीद है कि हमारा कार्य जो है 10 तक पूरा हो जाएगा। 11 से हमारे लोग आने शुरू हो जाते हैं और कुछ लोग यहाँ प्रवास भी करते हैं। ऐसे मेला प्रारंभ हमारा 14 तारीख से होगा और 19 तक चलेगा ये, और आप सबके सहयोग से अच्छा मेला होगा, भव्य मेला होगा, पूरी तैयारी की जा रही है। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात, अब होगी नई उम्मीद के साथ बदलते नए भारत की सोच। समर इंडिया।